समलैंगिक संबंध आता भारतात गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अशाच एका प्रकरणात पाषाण सूस रस्त्यावरील 23 वर्षीय युवकानं शुक्रवार पेठेतील त्याच्या झोपेत असलेल्या पार्टनरवर कोयत्यानं वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. 46 वर्षीय जखमी व्यक्तीनं खडक पोलीस ठाण्यात तरुणाविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. समलैंगिक संबंधामधील हा पहिलाच गुन्हा पुण्यात दाखल झाला आहे. खडक पोलिसांनी या युवकाला अटक केली आहे. पहिली बात ये की यो ये 377 का मामला है नहीं. हमने जो गुना दाखिल किया है वो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना दाखिल किया है. राजेश वर्तक ये 46 ईयर का आदमी है. उसने कंप्लेंट दिया है कि उसका फ्रेंड जो उसका पार्टनर है, सेक्स पार्टनर है, उसने अचानक परसों सुबह उसके ऊपर हथियार से वार कर दिया और उसको जख्मी कर दिया और मर्डर करने की कोशिश की. लेकिन ये तपास में ऐसा डिस्क्लोज हुआ है कि ये दोनों भी गे है, दोनों भी एग्री करते हैं कि दोनों गे है और वो रिलेशनशिप में है पहले 2-3 साल से और वो रिलेशनशिप से झगड़ा होके ये आरोपी ने उनके ऊपर अटैक किया है. ये परसों की तारीख है 19 के सुबह 6 बजे का ये इंसिडेंट है और इसमें जो कंप्लेनेंट है वो मेल करके उसमें एक्टिव करता है, एक्शन करता है और ये जो आरोपी है उसमें फीमेल का एक्शन करता है उनके रिलेशनशिप में और ये कंप्लेनेंट की ज़्यादा मांग की वजह से हरस होके आरोपी ने उनके ऊपर अटैक किया है. ऐसा अभी तक के तपास में निष्पन्न हो रहा है. तो इसमें अरेस्ट क्या है और इनका जो बैकग्राउंड है, ये दोनों का भी क्या बैकग्राउंड है? ये जो कंप्लेंट है तो बिजनेसमैन है, अच्छा बैकग्राउंड, उसका बंगलो है, सुभाष नगर में रहता है, उसका फॉरेन में भी छोटा मोटा बिजनेस है और जो आरोपी है ये होटल में काम करने वाला लड़का है 23 साल का. इसमें कोई शादी भी किसी की हुई थी कुछ डिवोर्स? हाँ, पहले कंप्लेंट की शादी हुई थी 25 साल पहले व्हेन ही वाज 25, लेकिन 1-2 साल में उसको डिवोर्स हो गया है और अकेला रहता है और जो आरोपी है इसमें उसको कोई शादी विधि नहीं हुआ.